हरियाणा की अच्छी खेल नीति के बदौलत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना है बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद का। फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचे एसडीएम त्रिलोक चंद ने होनहार प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारा छोटा सा प्रदेश है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, जो प्रदेश, देश और पूरे विश्व में अपना नाम चमका रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें अपनी सभ्यता पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमसे मेल ना खाती हों। हमें आधुनिक तकनीक और विज्ञान के साथ चलना होगा। महत्वपूर्ण रहे हैं, एक बच्ची ने तो अपने 10वीं के अंदर टॉप किया है और दूसरा बच्चा है वो इंटरनेशनल फुटबॉल खेल के आया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है स्कूल के लिए और हमारे लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। क्या लगता है जिस तरह से खेलों में भी हरियाणा आगे निकल रहा है, कैसे देखते हैं इसे? हरियाणा सरकार की खेल नीति बहुत अच्छी है और उसी से प्रभावित होकर के हमारे युवा खेलों में भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अब ये देखिए छोटा सा हमारा प्रदेश और खिलाड़ी हमारे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं पूरे देश के अंदर और देश और प्रदेश और पूरे विश्व में अपना नाम चमका रहे हैं, ये हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। अपने संबोधन में अभी जिक्र किया अपने सभ्यता और संस्कृति से जो चीज़ें मेल नहीं खाती हों उनको साथ लेकर नहीं चल, बिल्कुल हमें अपनी सभ्यता पर गर्व करना चाहिए। हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है और हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, हमें उस चीज़ पर गर्व होना चाहिए और जो चीज़ें हमसे मेल नहीं खाती हैं उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। आधुनिक युग के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी